हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबको मैजिक जोन के एक नए वीडियो पे। फ्रेंड्स, मुझे चैलेंज तो बहुत पसंद है, आप लोग देते हो अच्छा अच्छा चैलेंज, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपका चैलेंज पूरा करूँ। तो एक भाई ने कमेंट में बताया था कि सर आप 1+1=0 ये प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, अब आप देखो ये 1+1=0। अब ये तो देखने में कितना खतरनाक लगता है कि कैसे इसको प्रूफ करें 1+1=0। हम आज तक स्कूल में हम लोग जानते थे कि 1+1=2 होता है, राइट। लेकिन आज मैं प्रूफ करूंगा 1+1=0। तो चलिए, चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूं और इसको करके देखते हैं क्या मैं कर पाता हूं या नहीं। तो मैं यही से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं मान लो इसको कुछ नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसे लिख सकता हूं 1+1, इधर -1 हम लोग ले लेंगे, ये हम लोग पकड़ लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में -1 रखेंगे तो राइट हैंड साइड में -1 रखेंगे, तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, तो हम लोग कुछ गलत नहीं लिखे, 1+1 अभी तक यही है। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा राइट हैंड साइड में वही होगा, तो वो कट जाता है। तो आप लोग जानते हो कि इसका कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब हम लोग दूसरे स्टेप में जाते हैं। दूसरा स्टेप हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको कुछ फ्रेंड्स ऐसे कर सकते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को पूरा इंटैक्ट रखते हैं 1+1−1=2। हम लोग इस साइड को थोड़ा ऐसे कर देते हैं, इधर रूट बिठा देते हैं, 2-1 को रखते हैं और इसका पूरा होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि भाई इतना कुछ कहाँ से आया। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो अगर रूट और स्क्वायर को एक साथ बिठाया जाए मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, ये कट ही जाएगा। तो मतलब जो ये है ये इसका पूरा ऑपोजिट है, तो यही इसी के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। लेकिन मैं फिलहाल मतलब कुछ अप्लाई नहीं हो रहा इधर, मैं सिर्फ इसको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ओके। तो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही रखूंगा 1+1−1। अब फ्रेंड्स, इसको देखकर क्या आपको कुछ फॉर्मूला मतलब याद आ रहा है, आप भी कर सकते हो ऐसे करने पर। एक फॉर्मूला तो मैं देख सकता हूं, ये है x−y2 का फॉर्मूला, जो हम लोग सभी जानते हैं कि x²−2xy+y², ठीक है। तो अब हम लोग इसी फॉर्मूला को इधर बिठाएंगे, इधर है x और ये है y, तो हम लोग रूट को रखेंगे और इसको इधर कर देंगे, x²−2xy (1+y)² ठीक है, हमने फॉर्मूला इधर बिठा दिया। अब हम लोग दूसरे पार्ट में जाएंगे, इस पार्ट में भी हम लोग 1+ लेफ्ट हैंड साइड को पूरा इंटैक्ट रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इधर बहुत सारा काम है। तो अब हम लोग इसको कर लेते हैं, हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको करेंगे 4² - 2.21 मतलब 2×4 = 1, तो 4 ही आता है, प्लस 1² = 1। तो अब नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स, ये आप लोग जो चैलेंज देते हो ना, ये मुझे बहुत मजेदार लगता है, आप भी कमेंट में कुछ चैलेंज दे सकते हो। तो अब इसको कर लेते हैं, 4+4 - 4 कट जाता है, तो रह जाता है सिर्फ यही 1, ओके। तो अब मैं करूंगा कुछ और भी मजेदार चीज, वो क्या है, वो है ये कि मैं फ्रेंड्स, मैं जो आपको अभी दिखाने वाला हूं वो है कि अभी मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ऐसे। अब आप सोच रहे हो कि ये कहां से आया। फ्रेंड्स, अगर मैं -1² करूं, एक्चुअली ये इक्वल है +1 के, तो आप लोग जानते हो ये इक्वल है इसका, तो हम लोग इसके बदले में ये भी लिख सकते हैं, इसके बदले में ये भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग जो इसको बिठा दिए, अब
अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, 1 + 1 - 1 = अब फ्रेंड्स मैंने बोला था कि स्क्वायर और रूट दोनों को अगर कट दिया जाए तो इक्वली मतलब जो रह जाता है वही रहेगा, क्योंकि ये दोनों के एक ही अपर के ऑपोजिट है। तो हम लोग पूरा ये जो रूट है और ये स्क्वायर है इसको हटा देंगे, ठीक है, इसको पूरा हटा दिया इस स्टेप में, और सिर्फ रह जाएगा -1। ओके, तो अब आप लोग इजीली देख सकते हो कि इधर -1 इधर -1 हम लोग का कट कर देंगे, तो रह जाता है 1 + 1 और इक्वल इधर कुछ नहीं बचा, तो मतलब 0। और फ्रेंड्स मैंने प्रूफ कर लिया है 1 + 1 = 0। अब हाँ, अब आपका काम है, आपका काम है कि अगर आपको इसमें कुछ गलत लगा तो आप वो कमेंट में बताओ, और आपको ये फनी लगा तो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक भी कर दो, और अपना सुझाव कुछ कमेंट में बताओ, कि या फिर आपके दिल में अगर कुछ चैलेंज है वो भी आप दे सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में कोई अच्छे मैजिक या फिर चैलेंज के साथ, तब तक बने रहिए मैजिक जोन पे और ऐसे ही ऑसम ऑसम चीज सीखते रहिए।